इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया के 9 देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज भारत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में 2 नए मरीज मिलने के बाद भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की तादाद 41 हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज 21 हैं जो महाराष्ट्र में अकेले हैं। महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश और केरल में भी डेल्टा प्लस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से पहली मौत भी हो चुकी है। डेल्टा प्लस का खतरा अब तक देश के 5 राज्यों में बढ़ चुका है। इसे लेकर सरकार इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करते हुए सभी राज्यों को अलर्ट भी कर चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण के हिसाब से सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां अब तक 21 मरीज पाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं, कहीं इसकी वजह ये वेरिएंट तो नहीं? इसी तरह मध्य प्रदेश में 6 मरीजों में से एक संक्रमित महिला की मौत हो चुकी है। ये देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई पहली मौत है। इसी तरह केरल में 3 मामलों के साथ अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर के कटरा में डेल्टा प्लस का एक मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है तमिलनाडु का मामला, जो महिला डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्टेड पाई गई। वो मई में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुई थी, इसके रिकवरी भी हो चुकी थी, लेकिन 1 महीने से वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो गई है। आखिर डेल्टा वेरिएंट को पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्या ये भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है? देश और दुनिया भर के जानकार ऐसी ही आशंका जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से चकमा देने में सक्षम है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा से 60 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। डेल्टा प्लस से संक्रमित शख्स 5 से 8 लोगों को यह संक्रमण फैला सकता है। यह वेरिएंट पुराने वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसकी चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 2.5 गुना से ज्यादा है। पहले वाले वेरिएंट से करीब 2 से 3% मरीज ही 3 से 4 दिन में अस्पताल में भर्ती होते थे, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 12% मरीज 3 से 4 दिनों के अंदर गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, जिन्हें अस्पताल की जरूरत होती है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना डेंजरस है, यह हमने आपको बताया। पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले यह 60 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। पॉजिटिव शख्स 5 से 8 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो सकती है। 2.6 गुना ज्यादा खतरा इसमें मरीज के लिए है जो इन्फेक्टेड होता है डेल्टा प्लस वेरिएंट से। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।